हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि 3x3 का क्यूब है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से ट्रिक बाय ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें आपको जो वाइट है वाइट सबसे ऊपर रखना है। तो मैं इसको वाइट देख सकते हैं, वाइट ऊपर है और पीला नीचे है। जो यहाँ येलो दिख रहा है आपको, ये नीचे है और जो वाइट है ऊपर है। तो मैं इसको वाइट को ऊपर कर लेता हूँ और सबसे पहले इसको प्लस बनाना है। तो सबसे पहले इसको प्लस बना कर दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं इस तरफ एक तरफ वाइट है, तो इस तरफ भी हमको वाइट लाना है। सबसे पहले प्लस यहाँ दिखा देता हूँ आपको। प्लस बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको इस तरह से कुछ प्लस बना लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पहले प्लस बना लेना है कैसे भी करके, उसका ट्रिक है। सो स्लाइड करके आपको प्लस बन सकता है। प्लस आप बना दीजिएगा, मैं जान रहा हूँ सबसे दिक्कत होता है ये कॉर्नर साइज मिलाने में। ये जो बीच का मिडिल पॉइंट है, इस और इसको हमको मिलाना है चारों तरफ, ये जो और ये दोनों मिलाना है सबको। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर ब्लू है, तो हमको यहाँ पर भी मतलब ब्लू चाहिए बीच में। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वाइट है सबसे पहले नीचे कर देंगे, जो वाइट है सबसे पहले नीचे कर देंगे पूरा अपर साइड में। जो बीच मिडल जो प्लस बनाए थे हम, ये वाला ऊपर ही रखना है। देखिए सबसे मैं इसको नीचे कर दिया हूँ और देखते हैं इसको पकड़ ले रहना है और देखते हैं बीच में मतलब कहाँ है ब्लू। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाइट है या ब्लू है, देखते हैं ब्लू बीच में कहाँ है। तो चलिए स्लाइड करते हैं इसको, इसको पकड़ करके देख सकते हैं ब्लू मिल चुका है। जब ब्लू मिल जाएगा इधर से, तो आपको ऐसे करके ऊपर साइड में कर देना है। देख सकते हैं ये वाला हमको मिल गया। उसी तरह यहाँ से जी ग्रीन है, तो ग्रीन पर यहाँ पर मिलाना है। तो सबसे पहले आपको नीचे कर देना है और नीचे करके खोज रहा है ग्रीन कहाँ है। देखिए ग्रीन यहाँ पर, फिर स्लाइड कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं मिल गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद देख सकते हैं जो हमारा था ब्लू हट गया, तो फिर ब्लू फिर से मिलाना पड़ेगा। तो ब्लू कुछ ब्लू तो मिला हुआ और ग्रीन भी मिला हुआ है। यहाँ पर हमको जो रेड था, रेड हट गया था, रेड को मिलाना है। तो जो रेड था रेड को नीचे करना है और रेड को मिलाना है। रेड किधर है, तो देखिए यहाँ पर रेड मिल गया है, इधर इधर वाइट, इधर रेड, इसको भी ऊपर कर देना है। यहाँ पर मिल गया रेड, यहाँ पर मिल गया वाइट, रेड रेड देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पर बच गया एक ऑरेंज बच गया, देखिए ऑरेंज यहाँ पर नीचे किया हमें, ऑरेंज भी मिल गया, ऊपर कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू बन गया है, यहाँ पर ऑरेंज बन गया है, यहाँ पर ग्रीन बन गया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं रेड भी बन गया। तो चारों तरफ मिल गया है हमको, बस अब प्लस भी बनना बन गया, प्लस भी रहना चाहिए और साथ में ये मैच रहना चाहिए दोनों, देख सकते हैं। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, कॉर्नर जो मिलाना है, कॉर्नर पीस मिलाना है आपको। तो ये जो कॉर्नर पीस है उसको मिलाते हैं हम। तो कॉर्नर पीस मिलाने के लिए एक ट्रिक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी मिलाता है यहाँ पर ऑरेंज है इधर है और ग्रीन है। तो आपको खोजना है जो कॉर्नर है उसमें ऑरेंज ग्रीन किधर है। मैं कॉर्नर को खोजता हूँ, ऑरेंज ग्रीन किधर है, देख कॉर्नर को ऑरेंज ग्रीन और वाइट होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो था ऑरेंज ग्रीन और वाइट, मिडिल का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं ऑरेंज ग्रीन वाइट किधर है, देख सकते हैं यहाँ पर है। तो ऑरेंज मिल गया, ग्रीन मिल गया, वाइट गया मिल गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाना है, तो इसको इस तरफ से स्लाइड करना है, फिर इस तरफ से स्लाइड करना है, फिर इस तरफ से स्लाइड करना है। यहाँ पर मिल गया है जो कॉर्नर था हमारा, ये मिल गया है। सबसे पहले फर्स्ट लेयर मिलाना है, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। सबसे पहले फर्स्ट लेयर पर एक कॉर्नर मिल गया और उसी तरह से ये कॉर्नर को मिलाना है। देख सकते हैं यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर वाइट है। तो कॉर्नर को खोजिए रेड ग्रीन और वाइट कहाँ किधर है। तो रेड ग्रीन वाइट देखिए इधर है, रेड ग्रीन वाइट इधर है। तो यहाँ पर जो था हमको यहाँ पर लाना था, यहाँ पर लाना था। तो उसे देख सकते हैं हम इस तरह से इसे करेंगे और फिर इस तरह से स्लाइड करके ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मिल चुका है, अब बच गया ये। तो देख सकते हैं ब्लू रेड और वाइट तो यहाँ पर भी है, तो इसके लिए हमको स्लाइड इसे करना है और यहाँ पर इसे मिल जाएगा, स्लाइड मिल गया। उसके लिए यहाँ पर एक ये ट्रिक है, यहाँ पर जो मिले के बचा था देख सकते हैं, यहाँ पर एक बचा हुआ है ब्लू ऑरेंज और वाइट। तो ब्लू ऑरेंज वाइट है, तो आपको इस तरह से कुछ स्लाइड करना है, मिल गया।
उसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट लेयर हमको मिल चुका है, अब हमको सेकंड लेयर मिलाना है। सेकंड लेयर मिलाने के लिए क्या करना है आपको, सेकंड लेयर मिलाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये नीचे खोजना, नीचे खोजना है आपको, जिसके देख सकते हैं ये जो नीचे है इस साइड में पीला नहीं होना चाहिए, नहीं इधर पीला होना चाहिए, नहीं इधर पीला होना चाहिए, किधर भी पीला देखिए यहाँ पर है तो पीला नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर भी पीला है तो पीला नहीं मिल पाएगा, तो ये दोनों मिल सकता है, यहाँ पीला नहीं, ये दो ही कॉर्नर पर साइड में और ये कॉर्नर पर साइड पीला नहीं है तो मिल सकता है। तो हमको क्या है, रेड और ब्लू है, चलिए कोई कलर लेते हैं, ये भी मिला सकता है, ये भी मिला सकता है, मैं ये ले लेता हूँ, चलिए यार रेड और ब्लू है, तो मैं सबसे पहले इसको नीचे कर देता हूँ, रेड और ब्लू को नीचे कर देता हूँ। आपको खोजना है जो रेड, यहाँ पर देखिए ये रेड है, ये ब्लू है, तो रेड को ऊपर रखना है, ब्लू को अपर साइड में रखना है आगे की ओर, देख सकते हैं जो हमारा ये था, जो रेड है ऊपर, ब्लू उधर है, और जो बीच में था, बीच में यहाँ पर भी हमको रखना है, न इधर रखना है, इधर रखना है, न इधर रखना है, हमको सामने सामने रखना है, वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, और जो नीचे में है ब्लू, तब कुछ ट्रिक है जान लीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ ट्रिक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर रेड मिल गया है। हमको ये भी को जो मिडिल पॉइंट था सेकंड प्लेयर का, वो मिलाने मतलब मिला हुआ है, मिल गया है, अब ये वाला मिलाते हैं, देख सकते हैं आप, आपको खोजना पड़ेगा इस लेयर में, देख सकते हैं एक लेयर ये बचा हुआ है, ब्लू और ऑरेंज है, तो सबसे पहले नीचे में बोला था कि नीचे कर देना है आपको, अब खोजना है ब्लू और ऑरेंज किधर है, देख सकते हैं, तो ब्लू ऑरेंज इधर है और नीचे में यहाँ पर दिख सकता है सामने में ब्लू ऑरेंज है, एक आगे की तरफ है ऑरेंज और ब्लू ऊपर की तरफ है, ब्लू नीचे ऑरेंज इधर है, तो वही ट्रिक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यहाँ से उल्टा हो गया, ये वाला चाहिए था हमको इधर, ये वाला चाहिए था इधर, तो फिर कोई बात नहीं, फिर से वो वाला ट्रिक मतलब करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यहाँ पर आ गया तो इसको फिर से यहाँ पर करना है, फिर उसी ट्रिक को आजमाना है, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हैं मिल गया है। वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए आपको पॉज करके देखना है, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा, अब देखते हैं देखिए एक ये लेयर बच गया है, ग्रीन और रेड है, तो ग्रीन रेड नीचे करना है, और देख सकते हैं ग्रीन रेड किधर है खोजना है आपको, देखिए यहाँ पर ग्रीन ऊपर है आगे की तरफ रेड है, और यहाँ पर नीचे एकदम साइड में नीचे यहाँ पर रेड है, तो वही ट्रिक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हैं यहाँ पर रेड भी मिल चुका है, अब बच गया एक ठो कलर, तो इसको लिए वही ट्रिक लगाना है, 1 इसको हमको ना इधर साइड में करना है, नीचे तरफ करना है, तो यहाँ इसलिए वही ट्रिक लगाना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ चुका है, फिर वही ट्रिक लगाना है, ऊपर ऑरेंज है, नीचे वो अब आगे की तरफ मतलब ग्रीन है, और जो नीचे में है वो ग्रीन और ऑरेंज है, तो उसके लिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए दो लेयर से हमको दो लेयर मिल गया है, अब तीसरा लेयर बड़ा बचा हुआ है, तीसरा लेयर में क्या करना है, तीसरा लेयर में आपको एक सीधी लाइन खींचना है, जो येल्लो का है ना सीधे लाइन खींचना है, देख सकते हैं ये हमारा डोर तो बना हुआ है और तीसरा नहीं है, अगर तीसरा यहाँ पर नहीं है तो हमको तीसरा लाना है, तीसरा लाने के लिए ट्रिक है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से ट्रिक है, तो ये दो थे यहीं तक, जब भी तुम मिले तो एक रखना है लेफ्ट में और एक रखना है आगे, ऐसा कुछ मिलेगा आपको तो एक राइट में रखना है और एक आगे की तरफ रखना है, फिर वही ट्रिक लगाना है, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं यहाँ पर एक बन गया हमको, एल है जो एल बना है, अब इसको क्या करना है, एल को एकदम सीधा वर्टिकली रखना है, वर्टिकली रखकर फिर वही ट्रिक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 6, हो चुका है, अभी हमारा प्लस बन गया, प्लस जो बनाना था प्लस बन चुका है, अब हमको ये मिलाना है साइड से, देख सकते हैं आप घुमा कर देखिएगा कहीं दो ठो नहीं मिला है, तो घुमा कर देखिएगा इसको, नहीं मिला है, एक ठो देखिए यहाँ पर दो कलर मिल गया, यहाँ पर जो दो कलर मिला है उसको एक आगे करिए, वो लेफ्ट साइड में करिए, एक आगे की तरफ एक लेफ्ट साइड में करिए, ये दोनों मिलना है, इधर नहीं मिला हुआ इसलिए मिलाना है, तो वेट लिख लगाना है, 1 2 3 4 5
फायर के बाद इधर गया, एक मिनट फिर से गड़बड़ा गया थोड़ा सा। देख सकते हैं ये आ गया वहाँ पर, फिर से ट्री करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख सकते हैं ये सारा मिल गया यहाँ पर, जो ये था यहाँ पर मिल गया है। अब बच गया हमारा कॉर्नर पीस, मिल बच गया है तो कॉर्नर पीस देखना है यहाँ पर। ऑरेंज ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, यहाँ पर येलो है तो हमको खोजना है। देखिए यहाँ पर मिल गया ऑरेंज ग्रीन येलो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ये इसी में ऐसे रह करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक है, ठीक देख सकते हैं। सारों देखना है, चारों तरफ कॉर्नर मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर और ये और ग्रीन रेड और येलो है, ठीक है यहाँ पर हमको चाहिए येलो ग्रीन ऑरेंज, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर ब्लू ऑरेंज और ये जो यहाँ पर भी येलो है, ठीक है चारों कलर मिल चुका है। अब वो क्या करना है, एक अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पास करके जो ट्रिक है स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, तो ठीक है उसके लिए चलते हैं। जैसे कि इसे मिल गया तब वो कोई साइड भी एक तरफ ले लीजिए, मैं इसे मिलाता हूँ आपको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है आपको। चलते हैं इसके लिए आपको ऐसे करना है आगे तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखिए मिल चुका है, ये दो मिल चुका, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब मिल गया उसके बाद हमें लास्ट में ये घुमाना है, देखिए ये जो मिल गया फिर इसको घुमाना है, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखिए फिर ये मिल गया, जब मिलेगा तो इसको घुमाना है एक बार लास्ट में, फिर इसको घुमाना है लेफ्ट राइट। देख सकते हैं ये मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रिक लगाकर मिला सकते हैं, आप वीडियो को पास करके देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।